राजधानी पटना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का एक महीने से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अब जिला प्रशासन द्वारा उन तमाम आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं के सेंटर पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। जल्द ही केंद्र को खोले नहीं तो कार्रवाई होगी। ऐसे में बौखलाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुनपुन में सड़क पर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी दी है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में हम सभी लोग सबक सिखाएंगे। पांच सूत्री मांगों को लेकर कर रही विरोध प्रदर्शन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर अब कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पिछले एक महीने से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही सेविका सहायिकाओं की सेंटर पर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। जल्द ही अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर बौखलाई सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आंदोलन और तेज हो गया है। शासन के अल्टीमेटम से गुस्साई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने सरकार को चेतावनी दी है। आक्रोशित आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि अगर हमारी पांच सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया गया तो चुनाव में हम सभी वोट से उन्हें वंचित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी बात सुनेगा वही कुर्सी पर राज करेगा।